दोस्तों पता है एक बात, दोस्तों एक गुण होता है, दर्द में भी आनंद महसूस होता है। जब इंसान बार बार दर्द देने लगे ना, बार बार दर्द के मौके देते हैं, तो एक कोमल इंसान इतना ज़्यादा, मतलब अंदर से इतना ज़्यादा वो मजबूत हो जाते हैं, वो कोमल इंसान अंदर से इतना ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि उसके लिए तो जैसे मानिए छोटी मोटी चीज़ें कुछ, मतलब कुछ मायने ही नहीं रखता है, उसको नज़र भी नहीं आता छोटा मोटा दुख। दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपसे कि बड़े बड़े योद्धा मतलब युद्ध लड़ लड़ के पैदा होते हैं, खाली तलवारों को चमका के पैदा नहीं होते हैं। और पता है जिनको संघर्ष करने का आदत पड़ जाता है ना, उनकी खुशी और गम दोनों साथ साथ चलने लग जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं चलता कब गम गया और कब खुशी आ गई, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं चलता। इतना ज़्यादा उसका संघर्षमय जीवन इतना ज़्यादा मजबूत बना देता है उस इंसान को कि दोनों खुशी और गम साथ साथ चलते रहते हैं और जीवन बिल्कुल सरल सा चलते रहता है, कोई टेंशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हर इंसान को बस ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही कोशिश करना चाहिए कि अंदर से इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि छोटा मोटा चीज़ तो दुख तो नज़र ही ना आए, उसको ऐसे ही हंसते खिलते पार कर जाए। पता है जब आपके और हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आ जाता है, बच्चों से जुड़ा हुआ या फिर फैमिली में किसी भी सदस्य जिससे जुड़ा हुआ कुछ भी, तो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि और मतलब इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़, हर उसको उस माहौल को मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है कि जैसे लगता है कि अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन पता है फ्रेंड्स जिस वक्त ये ऐसा सोच रहे होते हैं ना हम लोग, उस वक्त बिल्कुल गलत सोच रहे होते हैं, बिल्कुल गलत। ये चीज़ ना, ये सोच हम लोग को और भी ज़्यादा अंदर से कमज़ोर बना देता है और माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि मतलब लगता है कि अब तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और हम लोग को करना क्या चाहिए, उस वक्त इतना अच्छा सोचना चाहिए, इतना जितना हो सके अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए अपने आप को कि जैसे कि मतलब कुछ भी समस्या लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पल भर में सब ठीक ठाक हो जाने वाला है, तो इस ऐसे में क्या होता है ना, सब चीज़ ठीक भी लगने लगता है और सेहत पे भी कुछ बुरा असर नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ कहने की किताबी भाषा नहीं है फ्रेंड्स, ये सचमुच में मतलब बड़े बड़े डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसा अजमाना चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए हर इंसान को। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है, ये मॉर्निंग का टाइम है और हम बना रहे हैं नाश्ता बच्चों के लिए। और देखिए यहाँ पे पूरी सब्जी बन चुका है, बच्चे दोनों करेंगे नाश्ता और घर में पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल से खुलने वाला है स्कूल, आज तो नहीं, आज भर बंद है। और आंचल के पापा लेके चले गए हैं गेहूं मिल, झाड़ू फटाफट से झाड़ू के बाद पोछा करेंगे। और बच्चे लोग क्या करते हैं, रूम देखिए कितना गंदा कर देता है, बार बार बोलते हैं कि चप्पल को ना साइड में खोला करो दीवार से टकर के, लेकिन क्या होता है ना ये मैट जो है, मैट पे चप्पल रखते हैं ना बच्चे लोग, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमेशा बोलते हैं कि मैट होता है पैर को पोछने के लिए, पोछ के बेड पे चढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं चप्पल ही खोल देते हैं, उस पे चप्पल खोल के रख देते हैं, फिर पैर कहाँ पोछेंगे। लोग हमेशा समझाते हैं सिखाते हैं, लेकिन बच्चे लोग मानते नहीं, अपनी ही मर्ज़ी का करते रहते हैं। तो देखिए हमारे रूम में यहाँ पे लग चुका है झाड़ू और बाहर भी झाड़ू लगा ही दिए थे। और क्या हो रहा है ना कि खाना का टाइम हो रहा है, आंचल के पापा चले गए हैं स्कूल, इनका स्कूल खुल चुका है फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट स्कूल खुल चुका है, पता नहीं प्राइवेट स्कूल तो आज भर बंद है। तो यहाँ पे पालक का साग बना रहे हैं, ये नहीं लगता है फ्रेंड्स, लेकिन घर वाला ना इसका तो स्वाद ही अलग होता है। तो हम फटाफट से यहाँ पे काट रहे हैं और नीचे ही काट रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं है, लेट होते जा रहा है, बहुत काम बहुत सारा है। और अभी ठंड ना अभी कम होने का नाम नहीं लिया है, उतना ही ज़्यादा हवा चल रहा है, आप समझ सकते हैं हम इतना जैकेट पहने हुए हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि साड़ी पे भी जैकेट क्या करें, इतना ज़्यादा ठंड क्या है, बाहर हवा चल रहा है, बाप रे इतना तेज़ हवा चल रहा है फ्रेंड्स, बाहर निकलने का मन नहीं करता है। धूप तो है आज लेकिन हवा भी उतना ही तेज़ है। और देखिए यहाँ पे झाड़ू देते देते हम क्या करने आ गए, दो तीन दिन से पता है फ्रेंड्स ये तेल का डब्बा है ना, इसमें रखते थे हम पराठा सेकने के लिए तेल रखते थे सरसों का, तो ये क्या हुआ ना कैसे इधर गिर गया है पीछे और हम देखे भी नहीं थे, दो दिन पहले देखे लेकिन पता है इसको साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा था। झाड़ू देते देते दो दिन पहले तो हम देख लिए थे लेकिन निकालने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि इसको साफ करें, तो अभी इसको कर रहे हैं साफ। तो देखिए एक कपड़े में पहले सारा तेल को उठा लिया है प्लास्टिक लेकर के और फिर इसको फेंक देंगे और यहाँ पे फिर कर लेंगे सरफ साबुन से दे करके फिर पोछा कर लेंगे अच्छे से। तो खाना भी उधर चढ़ा ही दिए हैं ताकि इसके पापा चले गए स्कूल, आएंगे तो खाना खाएंगे, सुबह सत्तू पी के गए हैं। और एक साइड मेरा दाल हो रहा है उधर, इधर पालक भी चढ़ा दिए,
सब्जी भी हो जाएगा और दाल में दे दिए हैं हम आलू का चोखा। तो आज सिंपल बनाएंगे क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा खाना बीच बीच में ज़्यादा हो जाता है ना, मसाला वाला ये वो, और पर्व त्यौहार का तो बिल्कुल सादा खाने का मन करने लग जाता है। तो आज हम सादा सादा ही बनाएंगे, पालक का साग और आलू का चोखा बनाएंगे, दाल चावल। अभी जैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं ना इस ठंड से, कब जाएगा ठंड, कब जाएगा ठंड, बाप रे बाप, परेशान हो गए हैं सभी लोग कि इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मौसम चेंज ही नहीं हो रहा है और अचानक से इतना मतलब चेंज कर देगा मौसम। ऐसे ही होता है हर बार, जब सर्दी से गर्मी घुसता है और गर्मी से सर्दी, तो बस यही होता है, कब अचानक से गर्मी लगने लग जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे तो अभी काफ़ी ठंड लग रहा है, काफ़ी ठंड पड़ रहा है, देखते हैं कब से मौसम चेंज होता है, फिर गर्मी करेगा तो फिर गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो क्या है ना कि ये सब चीज़ मौसम है तो हम लोग के हाथ में नहीं है, ये सब तो चलता ही रहता है और इसी के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। बस ये है, मौसम के हिसाब से ही हम लोग को चलना पड़ता है और अपना रूटीन सेट करना पड़ता है, आदत बन जाता है हम सबका। और ऐसे ही करना चाहिए, किसी भी चीज़ से ये नहीं होना चाहिए कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए एक हाउसवाइफ को, एक औरत को आना ही चाहिए और खुशी खुशी करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि घर का माहौल अच्छा बना होता है, अच्छा बना रहता है, बच्चे लोग भी खुश रहते हैं। और अब देखिए ये रात का टाइम हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो सुबह का के खाने में बनाए थे ना आलू का चोखा, तो वही चोखा मेरा बच गया था, तो आलू पराठा बना दिए हैं सबके लिए। सब खाना वाना सबका हो गया, सभी लोग अपने अपने बेड पे चले गए हैं और हम यहाँ पे कर रहे हैं आयरन। अभी रात के पता है 10 बज चुके हैं और यहाँ पे कर रहे हैं आयरन क्योंकि कल से स्कूल खुल रहा है बच्चे का। तो ये अयांश का पैंट हो गया, इसमें आयरन, और आंचल का ड्रेस है इसमें भी करेंगे आयरन, और शर्ट में फिलहाल नहीं करेंगे आयरन, पहले से ही किया हुआ था, अब काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, छुट्टी जिस वक्त हुआ था उसी में कर दिए थे, वो सब रखा हुआ है शर्ट और स्वेटर वगैरह सब चीज़ तो धोया हुआ है, तो बस ये आयरन करना बाकी रह गया था। तो फ्रेंड्स एक काम हमको और भी रह गया है, क्या है ना कि एक वाटर बोतल ऑर्डर किए थे आप सभी के साथ, हर चीज़ शेयर करती, इधर दो पार्सल आया था, एक आंचल का शर्ट और एक वाटर बोतल आया था आयांश का। क्या है ना कि उसका जो बोतल ले जाता है ना, तो बोलती है आंचल की उसमें पानी ठंडा हो जाता है, इसके कारण इसको दो दो बार इधर महीने में खांसी हो गया, डॉक्टर से दिखाना पड़ा था, तो बस उसमें ठंडा हो जाता है पानी, इसलिए ऑर्डर किए थे बोतल। तो आ गया है बोतल, लेकिन काफ़ी बड़ा है ना, हम 1 लीटर का ही लिए थे, हम सोच रहे हैं 1 लीटर वाला आंचल को दे देंगे और जो पहले का है उसको दे देंगे आयांश को, ये ब्लू वाला बोतल। तो आंचल बोल रही है कि इसमें भी ठंडा हो जा रहा है, एक और है बोलती है उसमें भी ठंडा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, अभी पानी गर्म कर ले रहे हैं, गर्म करके इसमें पानी रख देंगे रात में और देखते हैं सुबह तक कि क्या होता है, कितना ठंडा रहता है कितना नहीं, उसी हिसाब से काम करेंगे, बच्चे को देंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये वाला नहीं देंगे फ्रेंड्स। तो इसमें चेक करने के लिए अभी रात में पानी रख रहे हैं, फिर सुबह देखते हैं कैसा होता है, अगर गर्म रह गया तो यही देंगे आयांश को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का दी एंड अब यहीं पे करेंगे। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं, बाय बाय।